हेलो हेलो देव, क्या अब मेरी वॉइस आ रही है? थोड़ा पहले मुझे क्लियर कर दो यार, साउंड का मेन इशू रहता है, डिस्कशन हो जाता है और हम लोग आवाज़ ही नहीं आप तक पहुंच पाती। वेलकम बैक, फिर से नमस्ते। नमस्ते अवनी, मुझे ये बताओ थोड़ा साउंड सही है कि नहीं, थोड़ा ये क्लियर करो। कृष्णा, हेलो शुभम, हेलो दोस्त, लव फ्रॉम यूपी, थैंक यू रेनू, थैंक यू सो मच सर, मिस यू, थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच दोस्त सभी को, जय हिंद। आवाज़ क्लियर है ना? आवाज़ क्लियर है, कोई मुझे बता एक बार। क्लियर है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है परमार। तो ठीक है, अभी लास्ट वाले में कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, इम्पोर्टेंट था वो, कि सीजी वाले यहाँ पे एसआई में अप्लाई कर सकते हैं क्या, है ना, एमपीएसआई में? तो ये सही है, उसमें देखो एमपी एमपी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, जो भी इंटर स्टेट वाले हैं वो अपने यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, एमपीएसआई में आप फॉर्म डाल सकते हो। बस इसके लिए कुछ क्राइटेरिया निश्चित कर दिए हैं कि अगर आप दूसरे कैटेगरी से हैं, आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिल पाएगा। आप एसटी एससी ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप इस स्टेट के नहीं हैं, मतलब एमपी के इंटर स्टेट हैं, दूसरे सीजी या कोई भी, तो आपको यहाँ पे जनरल में माना जाएगा। आपको सारे क्वालिफिकेशन उन्हीं के मतलब कंप्लीट करने पड़ेंगे, जनरल के वही कट ऑफ, वही सारी प्रोसेस, सब कुछ। तो आप मतलब एज अ जनरल आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना, एमपीएसआई में। और जहाँ तक मुझे पता है कि सीजीएसआई में ऐसा नहीं होता है, सीजी के ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी एग्जाम होते हैं स्टेट सर्विसेज के या स्टेट लेवल के, तो उनमें शायद तक बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करता है। वहाँ पे डोमिसाइल होना इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपके पास डोमिसाइल है मतलब आप वहाँ के रहवासी हैं, तब आप वहाँ के फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन एमपी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कर रखा है, एमपी गवर्नमेंट सबको अलाउ करती है ना। बस यही है कि आप कैटेगरी का आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल से ही भरना पड़ेगा। सर मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक, थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच, आप सभी की दुआएं हैं, मैं भी आप सबको बहुत लाइक करता हूँ, बने रहिए, जुड़े रहिए। सुपर सर, थैंक यू सो मच, मिस्टर लोन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कैसे हैं? एमपीएसआई का फॉर्म किस एज से भर सकते हैं? सॉरी, ट्रैवलिंग के कारण अभी भी तबीयत खराब है। उन्होंने कि किस एज में भर सकते हैं, हाँ तो एज का नहीं है, देखो इसमें बहुत डाउटफुल रहते हैं लोग कि सर मैं ग्रेजुएशन फोर्थ ईयर में, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस भी आए थे उसमें कि मैं फोर्थ ईयर वाला हूँ, मैं इसको भर सकता हूँ क्या सर, या मैं थर्ड ईयर चल रहा है मैं, या मेरे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, मैं इसको भर सकता हूँ क्या, इसके लिए एज क्या है स्टार्टिंग की? तो देखो जो मिनिमम एज है इसमें 18 ईयर्स है, मिनिमम एज सब इंस्पेक्टर में 18 ईयर्स होती है। और लेकिन इसके लिए साथ में क्राइटेरिया जुड़ा हुआ है कि आपको ग्रेजुएशन कम्प्लीट चाहिए, आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, है ना, आपके रिजल्ट के बेसिस पे ही आप भर सकते हैं। तो यही दिक्कत है। अब जनरली कोई भी अगर ग्रेजुएशन करता है बच्चा, चाहे वो बीएससी करे, बीए करे, बी कॉम करे, या बी टेक में तो 4 साल ही हो जाते हैं, तो उसको बहुत टाइम लगता है, ऑलरेडी वो 20 21 22 पहुँच ही जाता है, ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने में 22 21 पहुँच जाता है, इसीलिए मतलब 21 22 के ही बाद भर पाते हैं जनरली लोग। पर उसका क्राइटेरिया एज का तो यही है कि आप 18 प्लस हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी यही इशू था, और क्योंकि मैं 20 ईयर्स में इंजीनियरिंग मेरी खत्म हो रही थी और एमपीपीएससी का अटेम्प्ट था, 21 के बाद दे सकते थे, 21 प्लस है एमपीपीएससी के लिए। तो फिर मैंने एसआई पे ज्यादा फोकस किया था कि ठीक है ग्रेजुएशन तो अपन खत्म खत्म ही हो रहा था मेरा ग्रेजुएशन 20 में, इसलिए फिर मैंने एसआई को ज्वाइन किया, और उसमें क्राइटेरिया सिंपल है, 18 प्लस होना चाहिए, ग्रेजुएशन कम्प्लीट, ज्वाइन कर सकते हैं आप। सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कभी कभी स्ट्रेस आता है तो क्या करें? स्ट्रेस आता है, अच्छा क्वेश्चन है ये रेनू, ठीक है, स्ट्रेस आता है तो सिंपल है, इसमें आप क्या है पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, है ना, और वे सभी लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे जुड़े रहिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, और अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए। मैंने इस बारे में डिस्कस किया है कि जब हम लो फील करते हैं या पढ़ते पढ़ते हमें मन नहीं लगता है ना, या लगातार डिमोरलाइज होते रहते हैं हम लोग कि अरे यार पोस्ट नहीं आ रही, ये सब चीज़ें, तो इस पर मैंने यूट्यूब में एक अलग से वीडियो बनाया है, अभी अभी आप रिसेंटली जाके देखेंगे, या फिर मतलब मेरे इंस्टाग्राम के बायो में भी लिंक डली हुई है यूट्यूब चैनल की, या फिर आप सिंपली यूट्यूब में विकास सिंह और सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग देखिए कि ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोज भी मैं बीच बीच में डालता रहता हूँ, है ना, तो आप उसमें देख सकते हैं, जुड़े रहिए, देखिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा, या और कोई समस्या होती है तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं। जय हिंद सर, मैं धार से हूँ कॉन्स्टेबल पोस्ट पर, मुझे अच्छा जय हिंद सर, मैं धार से हूँ कॉन्स्टेबल पोस्ट पर हूँ, मुझे एसआई निकालना है, प्लीज कुछ गाइड करिए। हेलो अमन, अमन परमार, चलो दोस्त बहुत अच्छा लगा जान के कि
मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे ही विभाग के बहुत सारे लोग। ठीक है अमन, तो सिंपल है यार दोस्त, इसके लिए तुम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम 6 साल का क्राइटेरिया पूरा कर लो, अगर तुमने आरक्षक में 6 साल रह गए हो तो बहुत अच्छा है, आपको बोनस अंक मिल जाएंगे SI एग्जाम में, तो आपका कम अंक में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा, आप सिंपल तैयारी करते रहो, अगर अभी 6 साल में समय है, आप नया ज्वाइन किए हो या जैसा भी है, तो आप तैयारी करते रहो। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग से, मतलब मैंने अलग अलग एक एक वीडियो इसीलिए ही डाला है। देखो समय की बहुत कमी रहती है, पर चूंकि हजारों लोग, मतलब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं लगातार, तो अलग अलग सभी को से डिस्कस कर पाना, सभी को बता पाना ये संभव नहीं है, क्योंकि ये ड्यूटी तो कैसी है ये तो तुम भी जानते हो, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं मिलके, तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए इसके लिए अलग वीडियो बनाया है, आगे क्या करेंगे इसके लिए अब मैं लगातार बनाते रह रहा हूँ वीडियो। इसके अलावा पुलिस की ट्रेनिंग कैसी है, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, या किसी को कोई और अलग से इशू हो तो वो भी डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा में, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बात करेगा, तो आज नहीं तो कल मैं उसमें रिस्पॉन्स करता हूँ जब समय खाली रहता है। मैं कहीं कभी खाली रहता हूँ, जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है या कहीं, तो मैं SMS देखता हूँ, आपके कॉमेंट्स देखता हूँ, मैसेजेस देखता हूँ और रिस्पॉन्स करता हूँ, तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो सिंपल है, आप यूट्यूब से जुड़े रहिए, वहाँ पर मैं डालता रहूँगा, है ना। आप भी बताइए, हम भी बताएंगे, मिलके तैयारी करेंगे, मिलके जीतेंगे, मिलके क्वालिफाई करेंगे। ठीक है दोस्त। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, होता है ना। आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, कभी कभी होता है, हो गया, इन्हीं से तो निकल के आगे बढ़ना है, यही तो है। हर आदमी परेशान है, हर किसी को समस्याएं हैं, हर कोई अपने पर्सनल लेवल पे एक वॉर जोन पे है ना, अपने अपने लड़ाई, सबकी लड़ाई है, उन्हीं से हटके हमें आगे बढ़ना है और सफलता हासिल करनी है ना। तो अच्छे लोगों से जुड़ें, पॉजिटिव रहें, निकल जाएगा। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्त। सॉरी सर, MPSI की एग्जाम पैटर्न बदल गया है क्या सर? कौन है? साहिल। देखो इस संबंध में सूचनाएं आई हैं बहुत सारी, इस संबंध में चल रही हैं बातें कि पैटर्न चेंज होने वाला है, पर जब जो मतलब वहां से नोटिफिकेशन निकलेगा, जब अपना गवर्नमेंट जारी कर देगा MPSI का कि ये एग्जाम होने वाला है, ये पैटर्न है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि एग्जैक्टली हाँ बदल गया। पर बदलने की संभावना पूरी पूरी है, ये है कि बदलने के चांसेस हैं, इवेंट्स बढ़ने वाले हैं और इंटरव्यू के मार्क्स भी बढ़ने वाले हैं, और टोटल मार्किंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद 750 तक की होगी, तो उस बारे में अपन लोग अलग से डिस्कस करेंगे, पहले और क्लियर हो जाए इस बारे में, है ना, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। एक ड्रविन, ड्रविन शर्मा एडमिन, सॉरी यार दोस्त, आपकी एज यार, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग, तो इसके लिए मैं अब आंसर शॉर्ट में देता हूँ। आप गूगल सर्च में जाइए, वहाँ पे लिखिए विकास सिंह, और आपको मेरे बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स डाले हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या आप यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी मैंने अपने बारे में डिटेल रखी है। तो मेरी एज, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, और लाइफ में कौन कौन है, बहुत सारी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें डली हैं, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, है ना। आप एक सर्च करेंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको, थैंक यू। और हेलो 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 अनीत, हेलो हेलो दोस्त, हेलो रविंद्र, ये कोई ऐड करने के लिए बोल रहा, तो उसके लिए सॉरी दोस्त। ऐड क्या है कि मैं जो पुलिस वाले हैं उनको ही ऐड करता हूँ, और जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि ये एक ऑफिशियल ID है, तो संभव नहीं, सॉरी। हेलो हेलो, आपसे बहुत ज़्यादा